नमस्ते, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक वीगन हूँ। आज इस वीडियो में मैं क्यों अंडे और अंडों के उत्पादों का उपयोग नहीं करता, इसका कारण आपको बताने जा रहा हूँ। जब एक अंडे से चूजा निकलता है तो उसका पुरुष होने की संभावना 50% होती है और मादा होने की संभावना 50% होती है। बड़े हो जाने के बाद मादा चूजे मुर्गी बन जाती हैं और मुर्गियाँ अंडे देती हैं। बड़े हो जाने के बाद नर चूजे मुर्गा बन जाते हैं और मुर्गे अंडे नहीं दे सकते। तो एग इंडस्ट्रीज में नर चूजों को जीवित रखने से क्या लाभ होगा? तो जिस दिन ये चूजे पैदा होते हैं वे लिंग के आधार पर अलग किए जाते हैं। नर चूजों को एक बड़ी चक्की में फेंक दिया जाता है और वे जिंदा और जीवित रखते हुए कुचले जाते हैं। इसके अलावा वे पानी की बड़ी बाल्टी में डुबाए जाते हैं या उन्हें प्लास्टिक बैग में डाल दिया जाता है और कचरे की तरह फेंक दिए जाते हैं। हम उन्हें कुचलते हैं, उनका दम घोटते हैं और उनके शरीर को टुकड़ों में चीर देते हैं, जबकि इन मासूम शिशुओं ने कभी कुछ गलत नहीं किया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मादा चूजों की तुलना में नर भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वे अधिक क्रूर भविष्य से बच जाते हैं जिसका सामना उनकी बहनें करने जा रही हैं। एक गर्म ब्लेड का उपयोग उनकी चोंच और नाखूनों को काटने के लिए किया जाता है। उसके बाद उन्हें छोटे पिंजरों में डाल दिया जाता है जहां वे अपने सारा जीवन अंडे देने के लिए मजबूर की जाएंगी ताकि मनुष्य चोरी करके उसे खा सकें। लेकिन हम उनके चोंच और पैर की उंगलियां क्यों काटते हैं? जब उन्हें ऐसे छोटे पिंजरों में रखा जाता है तो वे एक दूसरे को चोंच मारती हैं और खरोंचती हैं। इससे अन्य मुर्गियों को चोट लग जाएगी जिससे उनकी मौत हो जाएगी। इससे अंडा उत्पादन में कमी आएगी जिसके बाद एग इंडस्ट्रीज के लिए आर्थिक हानि होगी। यदि आपके पास वास्तव में एक विवेक है तो कृपया इस बारे में सोचें कि इस जानवर के शरीर की क्या दशा हो रही होगी। उसे हर एक दिन रजोधर्म सहना पड़ता है क्योंकि हम उसके शरीर से निकलने वाली एक वस्तु को चुराना चाहते हैं। उसे इतनी भीड़ वाली जगह पर खड़े होने के लिए मजबूर किया जाता है कि वह अपने पंख भी नहीं फैला सकती। उसके पूरे जीवन काल में उसका दुरुपयोग और शोषण किया है क्योंकि वह मानव नहीं है और क्योंकि वह आत्मरक्षा नहीं कर सकती है। हम खुद को सभ्य कैसे कर सकते हैं अगर हम अभी भी इस क्रूरता का समर्थन करते हैं? वे अननेचुरल कंडीशंस में रहते हैं और उनका शरीर अंडे देने के वजह से बहुत तनाव से गुजरता है। इस वजह से 2 साल में वे कमजोर हो जाते हैं और अपने पंख खो देते हैं। ऐसी स्थितियों में मुर्गी किसान को लाभ कमाने के लिए पर्याप्त अंडे नहीं दे पाएगी। जब वे अपने अंडे के लिए शोषित किए जाने के लिए लाभदायक नहीं होते हैं तो उनके मांस के लिए उनका शोषण किया जाता है। यह जीवन जन्म से मृत्यु तक यातना और दर्द से भरा हुआ है। हमारे लिए यह सिर्फ नाश्ता कहलाता है, लेकिन मुर्गी के लिए यह जीवन भर का खून और आंसू है। उन्हें इतनी नफरत दिखाने के बजाय क्या हम इंसान उन्हें प्यार नहीं दिखा सकते हैं? क्या हम इंसान अंडों के बदले प्रोटीन पाने के लिए राजमा, चना या तुअर दाल नहीं खा सकते? मानव जाति आगे तब बढ़ेगी जब हम अंत में अन्य जानवरों का शोषण करना बंद करना सीखेंगे। कृपया अच्छा कम्र करें और वीगन बने। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।